नमस्कार दोस्तों, LG 43 इंच का पैनल है, इसमें प्रॉब्लम है नो पिक्चर का। जैसा कि आप इसका व्यू देख सकते हैं, इस कलर का व्यू है। वाइस LED टीवी 43 इंच में लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें नो पिक्चर, ओनली हल्की बैकलाइट दिख रही है। कुछ सिंपल मेथड फॉलो करके हम इसे आसानी के साथ पॉट कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, हम कोई कॉप जला हुआ है क्या देख लें। सेकंड मेथड है, दो स्केलर लगे हुए लेफ्ट या राइट का, हम कॉप ऊपर करके चेक करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने लेफ्ट का कॉप ऊपर करके फिर टीवी चालू करके देखा, तो इसमें आपको साइड में वाइट स्क्रीन दिख रही है। इसका मतलब इसका स्केलर में प्रॉब्लम है, या फॉल्ट कंफर्म हो चुका है कि ये स्केलर में प्रॉब्लम है। इसे हम कितनी आसानी के साथ कंफर्म कर सकते हैं। अब हमने यह FFC स्ट्रिप इसमें लगा दिए और हम इसके टिकॉन बोर्ड पे इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर पे VGH वोल्टेज, VGL, VDD, VCC, HVDD, कहीं पे भी हम वोल्टेज ले रहे हैं तो वोल्टेज जीरो आ रहा है, नॉर्मल वोल्टेज नहीं आ रहा है। इससे कंफर्म हो रहा है कि वोल्टेज कहीं तो ड्रॉप हो रहा है। टिकॉन बोर्ड पे कहीं पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, बहुत नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, बाकी हर वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। अब हम टीवी को बंद करके जो स्ट्रिप हमने लगाई हुई है FFC स्ट्रिप, उसे हम फिर निकाल देंगे। निकाल कर हम टिकॉन बोर्ड पे वोल्टेज चेक कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। जैसा कि हमने अब टीवी चालू कर दिया है और टिकॉन बोर्ड पे हम वोल्टेज ले रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, VGH वोल्टेज, VDD, VCC, VGL, HVDD, इस सब पे नॉर्मल वोल्टेज आ रहे हैं। इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ कंफर्म कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है। जैसे कि हमने कंफर्म कर लिया है अभी कि टिकॉन बोर्ड पे वोल्टेज आ रहे हैं, स्केलर क्या से एक FFC निकालने के बाद में वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब उस स्केलर में प्रॉब्लम है। टिकॉन बोर्ड का हम वोल्टेज लेते हैं, जिसका व्यू आपको दिखा रहे। इस तरह से कोई भी आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर कंफर्म कर सकता है कि फॉल्ट कहाँ पे है। एक बार फॉल्ट कंफर्म हो गया तो उसे वह सॉल्व भी कर सकता है। जैसा कि हमने इसमें स्केलर पे चेक किया तो एक हमें PF शॉर्ट मिला, जैसा कि आप मीटर पे देख सकते हैं PF लिखी दिखा रहा है, और यह कंफर्म हुआ कि यहीं पे प्रॉब्लम है। जैसा कि आप मीटर पे शो कर रहा है, हमने उस PF को निकाल के चेक किया, फिर भी स्केलर पे शॉर्टिंग थी, तो हमने वो PF लगा दिया और उसके बाजू का PF निकाला, और उसके बाद में हमने स्केलर पे चेक किया तो शॉर्टिंग निकल चुकी है, जिसका हम व्यू दिखा रहे हैं। यदि हम उसका डिटेल में वीडियो बनाते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच का PF शॉर्ट था तो हमने निकाल दिया, अब स्केलर की शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब हम केबल की पिन लगा के इसमें TV चालू करेंगे। 5 मिनट के अंदर हम फॉल्ट या कोई भी अदर ब्रांड में आप फॉल्ट कंफर्म कर सकते हो। कुछ सिंपल मेथड यूज करके नो पिक्चर का प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हमने केबल लगा के वीडियो चालू कर दिया है और आप देख सकते हैं, कंपनी का नेम ब्रांड भी आ गया और पिक्चर नॉर्मली नो पिक्चर से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें फॉर मोटिवेशन। धन्यवाद।